नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जगत से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अहम सुपर ट्यूजडे में कई राज्यों में मतदान। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति पद के दावेदारों ने लगाया जोर। नतीजों से तय होगा डोनाल्ड ट्रंप या निकी हैली होंगी रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। इसराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ हमले किए तेज, कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। इजरायली सेना ने कहा UNRWA के 450 से अधिक कर्मचारी गाजा में आतंकवादी समूहों का हिस्सा। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत। आर्थिक मंदी और कमजोर पड़ती कारोबारी धारणा से जूझ रहे चीन ने इस साल 5% की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा। शहरी बेरोजगारी दर 5.5% रहने का अनुमान। वहीं चीन ने अपने रक्षा बजट में की 7.2% की बढ़ोतरी। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत सर्गेई कोटोव को डुबोने का किया दावा। वॉरशिप पर हमले का वीडियो किया जारी। रूस ने ओडेसा शहर पर किया हमला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रूस के खिलाफ सभी सहयोगियों से एक साथ आने का आह्वान। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। संसद ने मतदान के बाद किया पारित विधेयक। के पक्ष में 780 वोट जबकि विरोध में 72 वोट पड़े। विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पूरे फ्रांस में जश्न का माहौल। और सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं आगे और खबर दुनिया की में नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट अमेरिकाना पर और जानते हैं अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरें। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी की रेस में भारतीय मूल की निकी हैली पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बुरी तरह पिछड़ रही हैं। आज रिपब्लिकन प्राइमरी का सुपर ट्यूजडे का दिन है और आज एक साथ कई राज्यों में प्राइमरी चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आज निकी हैली की किस्मत का फैसला हो जाएगा कि वो आगे भी ट्रंप को चुनौती पेश कर पाएंगी या फिर उनका सफर यही खत्म हो जाएगा। सुपर ट्यूजडे को देखते हुए ट्रंप और हैली जमकर प्रचार में जुटे हैं और रिपब्लिकन समर्थकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज का दिन यानी सुपर ट्यूजडे को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी तय करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स दोनों ही पार्टियों के भीतर चुनाव किया जा रहा है। दरअसल आज अमेरिका में सुपर ट्यूजडे है और 15 राज्यों और समोआ में मतदान के बाद नतीजे की घोषणा होगी। आज जिन राज्यों में मतदान हो रहा है इसमें अल्बामा, अलास्का, अरकानसिस, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मेने, मैसाचुसेट्स, मिनिसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, यूटा, वर्मेनेंट, वर्जीनिया, समोआ शामिल हैं। खास बात यह है कि आज के नतीजे से यह तय हो जाएगा कि रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप होगा या निकी हैली। बता दें कि पिछले 36 सालों का रिकॉर्ड है कि जिस भी व्यक्ति ने सुपर ट्यूजडे जीता है वही राष्ट्रपति की रेस में रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी चुना गया है। सीमा पार करने वाले प्रवासी हमारे देश को भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बने हुए हैं। इसलिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन से सम्मान पूर्वक कहता हूं, आपके पास ताकत है, जो मैंने किया आपको वो बिना डर के करने की जरूरत है। मेरी नीतियों का उपयोग करिए, अमेरिका को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। इस रेस में हम 14 लोग थे, मैंने एक दर्जन अन्य साथियों को हरा दिया। मेरे सामने बस एक और साथी है जिसे मुझे आगे निकलना है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार वोट दिया। मुझे उनके प्रशासन में अमेरिका की सेवा करने पर गर्व है, लेकिन अराजकता उनका पीछा करती है।
और हम एक अव्यवस्था वाला देश और जलती हुई दुनिया नहीं बन सकते हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी पार्टी के जरिए इस पद के लिए फिर से नामित कर दिया जाएगा। लगभग एक तिहाई डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि आज अपना फैसला सुना देंगे। इस बीच कई लोगों को भरोसा है कि बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार में सबसे आगे रहकर राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। जो बाइडेन हमारे बुजुर्ग और सज्जन राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेट के लिए वही सबसे बेहतर विकल्प हैं। उनके सामने कोई नेता नहीं दिख रहा है। बाइडेन में काबिलियत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप या निक्की हैली को हरा सकते हैं। गौरतलब है कि रिपब्लिकन नामांकन जीतने के लिए एक उम्मीदवार को कुल 2429 प्रतिनिधियों में से कम 1215 की आवश्यकता होती है। अब तक ट्रंप को 244 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है और निक्की हैली को सिर्फ 43 डेलीगेट्स का ही समर्थन मिला है। वहीं डेमोक्रेटिक्स के लिए पार्टी के कुल 3979 प्रतिनिधियों में से 1439 आज दांव पर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुपर ट्यूसडे का फैसला आखिर किस नेता की 5 नवंबर की दावेदारी पर मुहर लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। सो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलीडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलीडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डायरेक्ट प्लान, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स, खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई, पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। Well, देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, या मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सर। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी, गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट, इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं एशिया का आईना पर। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गाजा में अपनी कार्यवाही को तेज कर दिया है।
इसराइल हमास के बीच जारी संघर्ष को लगभग 5 महीने पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके ये संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच इसराइली दूतावास ने हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में एक भारतीय व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह दावा किया है कि हमास के हमले में दुष्कर्म समेत यौन हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हालात की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तरी गाजा में भूख से बच्चों की मौत हो रही है। इसराइल हमास युद्ध कब खत्म होगा, ये भविष्य के गर्त में है। पिछले साल 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन यह थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गाजा में अपने हमलों को और बढ़ा दिया है। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे में मध्य गाजा में हमास के आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा हवाई और जमीनी हमलों में हमास के लॉन्च पोस्ट, हथियार केंद्र और सुरंग शाफ्ट सहित विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि UNRWA के 450 से अधिक कर्मचारी गाजा में आतंकवादी समूहों से जुड़े हुए हैं। और मिलिट्री ऑपरेटिव्स UNRWA के 450 से अधिक कर्मचारी गाजा में आतंकवादी समूहों में सैन्य कार्यकर्ता हैं। हमास मानवतावादी संगठनों का शोषण करता है और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए उनका उपयोग करता है। इन आतंकवादियों को UNRWA द्वारा नियोजित किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भुगतान दिया जाता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने इजरायली सेना के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसके संचालन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलिप लेजारिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर पहले ही कह चुके हैं कि संघर्ष की समाप्ति के बाद UNRWA गाजा का हिस्सा नहीं होगा। UNRWA को खत्म करने का प्रयास केवल कुछ कर्मचारियों की तटस्थता के उल्लंघन पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तव में इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक उद्देश्य है, जो एक निश्चित सीमा तक शरणार्थियों की स्थिति को खत्म करना और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसा न हो। इस बीच भारत में इसराइल के दूतावास ने लेबनान से हिजबुल्ला के मिसाइल हमले में एक भारतीय व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। इजरायली दूतावास ने बताया कि लेबनान की तरफ से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल से इजरायल के उत्तरी सीमा के पास मार गैलियट के एक बाग को निशाना बनाया गया है। इसकी चपेट में आकर केरल के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले के जवाब में इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला ठिकानों पर हवाई हमले किए और उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उधर संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने कहा कि इसराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले में दुष्कर्म समेत यौन हिंसा की घटनाएं हुई थी। टीम ने साथ ही कहा कि बंधकों पर यौन हिंसा की विश्वसनीय जानकारियां मिली है। 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान कम से कम 3 स्थानों पर हमने ये पाया और ये मानने का उचित आधार है कि सामूहिक दुष्कर्म सहित यौन हिंसा की गई है। इनमें से अधिकतर घटनाओं में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हमें जानकारी मिली है कि संदिग्धों के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार सहित यौन हिंसा की गई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उत्तरी गाजा में भूख से बच्चों की मौत हो रही है। गाजा के 2 अस्पतालों अल अवदा और कमाल अदवान में दौरे के दौरान WHO टीम को पता चला है कि भोजन की कमी से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और भोजन की कमी की वजह से भीषण कुपोषण की समस्या पैदा हो गई है। इस बीच मानवीय सहायता को तरसते गाजा के लोग भोजन, पानी, दवा और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में उनके लिए हवाई मार्ग के जरिए खाद्य सामग्री के पैकेट गिराए गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के सामने इन दिनों आर्थिक चुनौतियां तेज हो गई हैं। चीन की अर्थव्यवस्था को शेयर बाजार से लेकर रियल एस्टेट तक विभिन्न मोर्चों पर एक साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन आर्थिक चुनौतियों को अब चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया है। आर्थिक मंदी और कमजोर पड़ती कारोबारी धारणा से जूझ रहे चीन ने इस साल 5% की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है। वहीं शहरी बेरोजगारी दर 5.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इस बीच आपको बता दें, चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के सामने इन दिनों आर्थिक चुनौतियां तेज हो गई हैं। चीन की अर्थव्यवस्था को विभिन्न मोर्चों पर एक साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इन आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है। चीन सरकार ने गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रूपरेखा तैयार की है। चीन ने इस वर्ष लगभग 5% का विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ली कियांग ने चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन पर इस बात की घोषणा की। इसके साथ ही पीएम ली कियांग ने अपनी रिपोर्ट में देश के विकास मॉडल को बदलने और दिवालिया हुए प्रॉपर्टी डेवलपर्स और ऋणग्रस्त शहरों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। वही चीन ने अपने विनिर्माण क्षेत्र में सभी विदेशी निवेश प्रतिबंधों को हटाने के साथ ही दूरसंचार और चिकित्सा सेवाओं में लगे प्रतिबंधों में ढील देने का भी ऐलान किया है। हम विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अपने प्रयासों को तेज करेंगे। इसके साथ ही हम विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश पहुंच पर प्रतिबंधात्मक उपायों को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। दूरसंचार, चिकित्सा और अन्य सेवाओं में बाजार तक पहुंच में ढील देंगे। विदेशी उद्यमों को घरेलू उद्यमों की तरह मानने के लिए नीतियों को लागू करेंगे। विदेशी निवेश सेवाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने विदेशी हस्तक्षेप का मजबूती से विरोध किया है। उन्होंने अपने पिछले उल्लेखों की तरह ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन का जिक्र नहीं किया है। उनका कहना है कि ताइवान मामले में विदेशी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे। हमें नए युग में ताइवान मुद्दे को हल करने के लिए पार्टी की समग्र रणनीति को लागू करना चाहिए। एक चीन सिद्धांत और 1992 की आम सहमति का पालन करना चाहिए। ताइवान के अलगाववाद और विदेशी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। क्रॉस स्टेट संबंधों के शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा देना चाहिए। मातृभूमि के पुनर्मिलन के उद्देश्य को दृढ़ता से आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों किनारों के एकीकरण और विकास को गहरा करना चाहिए। इसके साथ ही हमें दोनों पक्षों के हमवतन लोगों की भलाई को बढ़ाना चाहिए और राष्ट्रीय कायाकल्प के महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चीन ने साल 2024 के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हुए 7.2% कर दिया है। रक्षा बजट अब पहले की अपेक्षा 19.61 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 2024 के लिए चीन का रक्षा खर्च 5 साल में सबसे ज्यादा है। गौरतलब है चीन पिछले साल से ही अपने खराब आर्थिक हालत को लेकर चर्चा में है। चीन इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इनमें से कम विदेशी निवेश, युवाओं के रिकॉर्ड बेरोजगारी, विकास दर में गिरावट, कमजोर मुद्रा, कम निर्यात और प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट प्रमुख है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया है। चीन के तटरक्षक बल के जहाजों ने सागर के तट पर फिलीपींस के जहाजों को रोक दिया, जिसके बाद दोनों ही देशों के जवानों के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे यहां फिर से विवाद बढ़ गया। फिलीपींस के मुताबिक उसके दो जहाजों के खिलाफ चीन के जहाजों ने खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दिया। इस दौरान फिलीपींस और चीन के एक जहाज के बीच टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस टक्कर में फिलीपींस के जहाज को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस पर दक्षिण चीन सागर में उकसावे वाली कार्रवाई करने और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही है सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी।
केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की, और आइए अब नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन को दुनिया के पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन की सहायता करेंगे तो वो उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। वहीं अब यूक्रेन ने रूस को एक और झटका दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने उच्च तकनीक वाले समुद्री ड्रोन का उपयोग करके काले सागर में एक और रूसी युद्धपोत को डुबो दिया है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने दावे की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष हर दिन खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने मंगलवार को दावा किया कि उसने उच्च तकनीक वाले समुद्री ड्रोन का उपयोग करके काले सागर में एक और रूसी युद्धपोत को डुबो दिया है। यूक्रेनी खुफिया विभाग के मुताबिक इस हमले में 7 लोग मारे गए हैं और 6 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने वॉरशिप पर हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया ने काला सागर में नष्ट किए गए रूसी जहाज की पहचान $65 मिलियन कीमत के सर्गेई कोटोव के रूप में की है। यूक्रेन की ओर से यह दावा ऐसे समय किया गया है जब उसकी सेना अग्रिम मोर्चे के पीछे के लक्ष्यों को निशाना बनाना जारी रखे हुए है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने दावे की पुष्टि नहीं की है। वहीं दोनेत्स्क क्षेत्र के जंगल में तैनात यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में रूसी सैनिकों को सफलता नहीं मिल पा रही है और वो पीछे हटने को मजबूर हैं। यूक्रेनी सेना ने साथ ही कहा कि पश्चिमी देशों की सैन्य सहायता उनके लिए बहुत जरूरी है। रूसी सैनिक विशिष्ट स्थानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पश्चिम का समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की ओर से लगातार हमले जारी हैं, खासकर ओडेसा शहर पर रूस के ड्रोन हमलों से जान माल को नुकसान हुआ है। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर रूस को घेरते हुए कहा कि ये समय यूक्रेन के सहयोगियों का एक साथ आने का है। उन्होंने साथ ही जोर देते हुए कहा कि हम निश्चित रूप से अपने यूरोप में एक ऐसे क्षण के करीब पहुंच रहे हैं जहां कायर न बनना उचित होगा। हम निश्चित रूप से यूरोप में एक ऐसे पल के करीब पहुंच रहे हैं जहां कायर न होना उचित होगा। हम आने वाली त्रासदियों को कभी नहीं देखना चाहते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखना चाहते हैं कि क्या दांव पर लगा है। संघर्ष हमारी धरती पर लौट आया है। जो शक्तियां अजय हो गई हैं, वे हर दिन खतरे का विस्तार कर रही हैं। हम पर और अधिक हमला कर रही हैं। उधर यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को एक नए 1.5 बिलियन यूरो के रक्षा उद्योग कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, जिसे 2025 और 2027 के बीच की अवधि के लिए यूरोपीय संघ के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के बढ़ते हमलों ने हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाने पर बल दिया है। Maybe you will remember that, 2 साल पहले मैंने कहा था यूरोप खतरे में है। यूरोप खतरे में था और अभी भी अधिक खतरे में है। शांति के लिए अब कोई शर्त नहीं है। दुर्भाग्य से युद्ध हमारी सीमाओं पर है और रूसी हमलों ने हमारी औद्योगिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर बल दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों को लेकर शीर्ष रूसी कमांडर्स सर्गेई कोबिलाश और विक्टर सोकोलोव के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हेग स्थित न्यायालय ने यूक्रेनी विद्युत बुनियादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल हमलों के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से संघर्ष शुरू हुआ था। रूस के मुकाबले यूक्रेन को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन वो पश्चिम की मदद से अभी भी संघर्ष में डटा हुआ है।
और समाचार में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस की संसद ने इसे मतदान के बाद पारित कर दिया। इस कानून के माध्यम से अब फ्रांस में महिलाओं को आधिकारिक रूप से गर्भपात कराने की आजादी है। फ्रांस की संसद के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक के पक्ष में 780 वोट डाले गए, जबकि इसके विरोध में 72 वोट पड़े। गर्भपात से संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पूरे फ्रांस में जश्न का माहौल है। फ्रांस महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गर्भपात के अधिकार को लेकर आए प्रस्ताव के पक्ष में सांसदों के मतदान के बाद इसे पारित कर दिया गया। फ्रांस की संसद के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक के पक्ष में 780 वोट डाले गए, जबकि इसके विरोध में 72 वोट पड़े। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया, जिसके बाद फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। इस कानून के जरिए अब महिलाओं को गर्भपात कराने की आजादी है। संशोधन पारित होते ही संसद सदस्यों ने खड़े होकर इसका स्वागत किया। संवैधानिक बिल पर वोट के नतीजे हमारे सामने हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 902 थी, जिसमें डाले गए वोटों की संख्या 852 है। 780 लोगों ने बिल के समर्थन में वोट किया है। हमें संवैधानिक बिल को अपनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिला है। कांग्रेस ने गर्भपात तक पहुंच की स्वतंत्रता पर अब संवैधानिक विधेयक को अपनाया है, जैसे कि डाले गए वोटों के 3/5 बहुमत से अनुमोदित किया गया है। महिला अधिकार समूहों ने इस विधेयक को ऐतिहासिक कदम बताया है। इस फैसले के बाद गर्भपात अधिकार कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल पेरिस में इकट्ठा होकर इसकी सराहना की। हम एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारा वोट भविष्य के लिए किया गया एक वादा है। हमारे आने वाली पीढ़ी को कभी भी इस पीड़ा को दोबारा नहीं झेलना पड़ेगा जो पहले हो चुकी है। हमारा वोट दुनिया की सभी महिलाओं के लिए भी एक वादा है जो अपने शरीर पर नियंत्रण के अधिकार के लिए लड़ रही है। एफिल टावर के सामने एक विशाल स्क्रीन पर संसद में पारित नतीजे दिखाए जाने के बाद महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और बिल के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसले पर लोगों ने मेरा शरीर मेरा अधिकार के नारे लगाते हुए अपना समर्थन जताया। फ्रांस के संविधान में ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब 2022 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया था। आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस के लगभग 80% लोगों ने गर्भपात को कानूनी अधिकार देने के फैसले का समर्थन किया है। वहीं कई गर्भपात विरोधी समूहों ने इस संवैधानिक बदलाव की पुरजोर आलोचना भी की है। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें।